इस्लाम में माहे रमजान में पढ़ने वाले आखिरी जुमा को अलविदा जुमा कहते हैं। मान्यता है कि रमजान के तीसरे और आखिरी आश्रय में की गई इबादत रोजेदारों को जहन्नम की आग से बचाती है। इस आश्रय में जो आखिरी जुमा आता है उसे अलविदा जुमा कहते हैं। अलविदा का खास महत्व और दर्जा है। इस दिन को दुनिया के भर के मुसलमान पूरी अजमत अकीदत के साथ अल्लाह की इबादत करते हैं। यह जुमा अन्य जुमा के मुकाबले इसलिए खास है क्योंकि यह रमज़ान के महीने का आखिरी जुमा यानी शुक्रवार है और इस साल के बाद रमज़ान में कोई और जुमा नहीं पड़ेगा। वहीं अलविदा का मतलब रमज़ान के पाक महीने का समाप्त होना यानी इसकी विदाई है। यही वजह है कि इस अलविदा कहते हैं और इसकी नमाज भी काफ़ी अहम मानी जाती है। इस्लाम में अलविदा को सबसे अफजल करार दिया गया है। रमज़ान का आखिरी जुमा कई मायने में खास है। एक तो इसके आने का मतलब यह है कि अब बस ईद आने वाली है यानी ईद के चांद पहले का यह आखिरी जुमा है। वहीं इबादत के लहजे से भी यह दिन मुसलमानों के लिए बेहद ख़ास है। इस दिन मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं और इस बात का शुक्र अदा करते हैं कि उन्हें माह रमज़ान के पाक महीने में रोज़े रखने का मौका मिला, तरावी पढ़ना और अल्लाह की इबादत करने का सम्मान हासिल हुआ। जमातुल विदा यानी अलविदा की अहमियत को इस बात से ही समझा जा सकता है कि खुद अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान मजीद में इस दिन की अहमियत को मुसलमानों के लिए खास फरमाया। अलविदा की नमाज, अलविदा का मतलब होता है किसी चीज़ को रुखसत होने का यानी रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है, इसलिए इस मौके पर जुमे में अल्लाह से खास दुआ की जाती है कि आने वाले रमज़ान हम सबको नसीब हो। रमज़ान के महीने में आखिरी जुमा को अलविदा जुमा कहते हैं। अलविदा जुमा के बाद लोग ईद की तैयारी में लग जाते हैं। अलविदा जुमा रमज़ान माह की तीसरे आश्रे आखिरी 10 दिन में पड़ता है। यह जुमा बहुत ही अफजल होता है क्योंकि इससे जहन्नम दोजख से निजात मिलती है। आज इसी क्रम में दरभंगा टावर और भी मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा की गई। जो हमें बीमार है शफा अता कर दीजिए, जो बूढ़े हैं अल्लाह उनको सेहत व आफियत के साथ नाज़िया उमर नसीब फरमाइए। अल्लाह हमारी आंखों को हया अता फरमाइए, हमारी माँ बहनों को पाकीज़गी अता फरमाइए, हमारे नौजवानों को दीन की समझ अता फरमाइए, हमारे उलमा के सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमाइए। अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा दीजिए, अल्लाह हमारी नमाज तरावी को कबूल फरमा दीजिए, अल्लाह इस रमज़ान में हमारी ज़िंदगी की तब्दीली के फैसले फरमा दीजिए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين। कहाँ पर की गई है, क्या कहें? हाई टावर चौक पे कटकी बाजार में जुमा की अलविदा की नमाज अदा की गई और इस नमाज में मुल्क और आपस में भाईचारे के लिए दुआ की गई। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आपस में मिलजुल के ईद मनावे और पूरे दरभंगा वासियों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में मेरी तरफ से। मैं मोहम्मद जमीदुल, जिला महासचिव युवा जेडीयू दरभंगा।